हेलो गेमर, अभी मेरे सामने है दो लकी ब्लॉक्स, तो हम इनको ओपन करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो इन लकी ब्लॉक्स में निकल सकती है कोई भी महंगी कार, रोबोट वगैरह कुछ भी। तो अभी मैं इन पहले लकी ब्लॉक्स को ओपन करने वाला हूँ। तो मैंने इसको नीचे गिरा दिया है और ओपन करने का टाइम आ गया है अभी। तो इसके अंदर निकली है ये महंगी बाइक। हाँ, ये बाइक लेकिन यार ये सबके पास हो सकती है, लेकिन अभी मेरे को दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक लकी ब्लॉक्स है, उसमें तो महंगी चीज़ निकलेगी यार, मेरे को पता है। तो अभी आप बताओ यार, ये रुपए हीरो कर क्या रहा है भाई? मेरे को अब पता चल गया, ये एक टायर पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ इससे उठ गई। गाइज आप देख रहे हो, एक टायर पर इससे ये बाइक उठ गई, लेकिन रुपए हीरो मैं तेरे को तब मानूंगा जब तू एक टायर पर उठा कर इसको चलाएगा। हाँ, इसको चलाएगा तब मानूंगा। तो रुपए हीरो कोशिश कर रहा है एक टायर पर चलाने की। तो गाइज ये चला है, चला भाई रुपए हीरो चला। तो रुपए हीरो अभी चलाने वाला है और एक टायर पर उठी उठी, लेकिन यार इसका तो बीच में ही बेचारे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। तो यार चलती बाइक से कौन कूदता है भला? कूदेगा भिड़ू? तो आप कूदते हो क्या चलती बाइक से? नहीं कूदते हो भाई, कोई नहीं कूदते हो, लेकिन रुपए हीरो हमारा बहुत ही खतरनाक है। तो इस लकी ब्लॉक से मैं अपने घर पर ले जाकर ओपन करूँगा यार, और लेकिन इसको घर पर ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार हाथ से बार बार में छूट रहा है, आप देख रहे हो ना। तो अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, और अभी मेरा घर आ गया है, लेकिन मेरे घर के सामने नहीं, मैं टिप्सन दादा के सामने खोलूँगा और उसको बताऊँगा कि देखो मैं लकी ब्लॉक्स लेके आ गया, कहीं से कहीं ना कहीं से तो लेके आ गया। तो अभी इसको ओपन करने का टाइम आ गया है भिड़ू अभी। तो यहाँ पे देखो, मैंने ओपन कर दिया और उसमें निकली है इतना बड़ा टैंक। हाँ गाइस, ये देखो, ये टॉप निकली है इतनी बड़ी, और लोग बाग इससे नीचे आने से डर रहे हैं, बेचारे डर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर गिर गई तो हमारा तो कचुम्बर ही निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो, मैं इसको यार ऊपर जाके देख रहा हूँ यार, कि इतना छोटा सा गुब्बारा इतनी भारी, ये पता है कितने टन की हो सकती है? ये 200-300 यार, 200-300 क्या, ये पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा भारी है। और इतना छोटा गुब्बारा इसको उठा के ले गया यार, ये तो बहुत असंभव बात लग रही है मेरे को। तो भीड़ू इसको नीचे गिराए क्या? चलो इसको नीचे गिरा के देखने। तो वो भाई साहब नीचे से हट जाना, नहीं तुम्हारा तो कचुम्बर निकल जाएगा, चाहे से वो कोई सी गाड़ी हो या पुलिस वाला हो, चाहे से कोई भी हो, तो इसके नीचे से हट जाना। तो अभी ये यार ये सीधी नहीं गिरी है, ये टेढ़ी हो गई, तो इसको सीधा तो करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो इसको पीछे से देखने दो कि पीछे से ये किस प्रकार से दिखती है। तो ये आप देख रहे हो ना, इसके टायर कैसे हैं, इसके टायर बिल्कुल के बिल्कुल चेन लगी हुई है इसके टायर को। तो इसे धक्का मार के गिराने दो मेरे को। तो यार ये भिड़ू यार सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सीधा हो नहीं रही है। तो ये सीधा होए तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आप बन जाओगे इस चैनल के सदस्य, जो कि एक बेहतरीन बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यार इसको सीधा तो करना पड़ेगा यार, ये सीधा क्यों नहीं हो रही है? तो फाइनली इसको सीधा करने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, लेकिन ये आखिरकार सीधी हो ही गई, आप देख रहे हो ना। और ये पावरफुल टैंक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैंक है। तो अभी इसको मैं लेकर चलने वाला हूँ सीधा टिप्सन दादा को मारने के लिए। नहीं यार, टिप्सन दादा को नहीं मारेंगे इससे। तो टिप्सन दादा, अभी मैं इसके पास कुछ मांगने वाला हूँ, अगर टिप्सन दादा ने नहीं दिया तो इसको उड़ा देंगे। तो अभी हम इस टैंक की शक्ति देखते हैं। भाई साहब ये जैसे ही चलता है ना, तो ऊपर से नीचे तक पूरी जमीन और आसमान दोनों को हिला देता है। तो इसका मुँह कर देता हूँ मैं टिप्सन दादा के घर की तरफ, और टिप्सन दादा के पास मांगते एक और लकी ब्लॉक्स। अगर टिप्सन दादा ने देने से इनकार कर दिया तो टिप्सन दादा को घर के समेत इसको भी उड़ा देंगे। तो यार ये बार बार में टैंक पता नहीं टेढ़ा कैसे हो गया। तो इसको सीधा करते हैं और अभी टिप्सन दादा के घर की तरफ लगा देते हैं इस टैंक को। और टिप्सन दादा ने देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो टिप्सन दादा को उड़ा देंगे। तो हेलो टिप्सन दादा, अभी मेरे को चाहिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रह गया। हाँ अभी सही है, बिल्कुल टिप्सन दादा के घर की तरफ है। तो टिप्सन दादा अभी मेरे को एक और लकी ब्लॉक सही, अगर नहीं दिया तो भाई साहब तू तो गया काम से। अरे भाई रुपए हीरो, मेरे को और मेरे घर को छोड़ दे भाई, तेरे को लकी ब्लॉक सही ना, तो ऊपर देख तेरे लिए लकी ब्लॉक आ गया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तू जैसे इस लकी ब्लॉक्स को खोलेगा तो तेरा टैंक भी गायब हो जाएगा। कोई बात नहीं है टिप्सन दादा, क्योंकि मेरे को ये टैंक वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे काम में अभी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो मैं लकी ब्लॉक्स को ओपन करूंगा, और यहाँ पे लकी ब्लॉक्स ओपन हो गया। वाक्य में यार टिप्सन दादा ने सही कहा था कि मेरा टैंक गायब हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा टैंक बिल्कुल भी गायब हो गया है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर बैठने वाला हूँ, इस सीट के ऊपर, और मैं बिल्कुल अब गोले के अंदर सुरक्षित हूँ। तो अब इस गोले को शहर के अंदर घुमाने का मौका मिला है मेरे को अभी अभी, और यहाँ
पे इसको मैं इतना उछालूंगा कि आसमान में पहुंच जाएगा। क्या ये आसमान में पहुंच जाएगा क्या, या फिर बीच में अटक जाएगा बेचारा? तो यहाँ पे ये खंभे वगैरह मेरे बीच बीच में आ जाते, इसलिए यार मैं इसको इतना ऊपर नहीं उछाल पा रहा। लेकिन अभी मेरे सामने बिल्कुल सीधी सड़क है, लेकिन यार ये फिर भी इतना ऊपर नहीं जा रहा है। भाई साहब अब की बार तो गया ऊपर, लेकिन यार ये शायद उड़ नहीं सकता, तो मेरे को टिप्सन दादा के पास में अभी चलना पड़ेगा और वापस मेरा टैंक मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे पड़ चुकी है पुलिस और ये गोला बिल्कुल भी काम का नहीं है। मेरे को टैंक मिल जाएगा तो मैं ताकतवर भी बन जाऊंगा, तो टिप्सन दादा के पास चलना पड़ेगा। तो टिप्सन दादा अभी मेरे को वो टैंक चाहिए वापस, अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपको इस तोप से उड़ा डालूंगा। अभी मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जल्दी दे दो टिप्सन दादा मेरे को। अरे भाई रुपए हीरो, मेरे को क्या नौकर समझाया क्या? तू बोलेगा वही थोड़ी तो करूंगा, जा कर ले तेरे को जो करना है जो। अच्छा ये बात है क्या टिप्सन दादा, तो पकड़ तेरे ये गोला, तेरे को गोले के साथ तेरे को भी उड़ा दूंगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई साहब। देखो तो बचने के लिए मैं फटाफट इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, क्योंकि जनता और पुलिस वाले दोनों के दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, और इस गाड़ी को मैं लकी ब्लॉक्स के पास लेके चलता हूँ सीधे की सीधे। शायद उस लकी ब्लॉक्स में कोई वापस टैंक मिल जाए या फिर कोई रोबोट मिल जाए मेरे को, और फिर मैं इन पुलिस वालों से लड़ सकूँ। तो अभी मैं सीधे सीधे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक लकी ब्लॉक्स दिखा है, तो फटाफट उसको ओपन कर लेता हूँ, शायद उसमें कोई अच्छी चीज निकल जाए, तो इन पुलिस वालों को मैं सबको सबक सिखा दूंगा। तो अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, और जल्दी से ओपन कर ले भाई रुपए हीरो, नहीं तू तो गया काम से। तो इसके अंदर निकला है ये पावरफुल रोबोट। ओ भाई साहब अब तो इन पुलिस वालों की खैर नहीं है, अब ये सबके सब मारे जाने वाले हैं मेरे हाथों से। तो सबसे पहले इन गाड़ियों को उड़ा देता हूँ, और भाई साहब मैं बता दूं ये पावरफुल टैंक है बहुत ही खतरनाक। देखो एक के अंदर ही पूरा हेलीकॉप्टर तो गया काम तमाम हो गया बेचारे का। अब मेरे सामने जो भी आएगा उसका तो चकनाचूर होना बनता है गाइज। तो भिड़ू अभी मैं इस ताकतवर रोबोट के अंदर बैठकर मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तो अभी ये देखो ये हेलीकॉप्टर भी गया काम से, और यहाँ पे आया है कौन आया है? ओ भाई साहब और कौन आएगा? और यहाँ पे ये गाड़ी आई है और ये रोबोट है भाई साहब। तो यार इसको मैं एक सेकंड के अंदर मार सकता हूँ, लेकिन यार इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए ना। तो अभी मैं बुलाने वाला हूँ, किसको बुलाए? ओ भाई साहब इसे बुलाने से पहले भाई साहब ये टैंक मेरे को मार देगा। जल्दी से फटाफट नीचे उतर जाता हूँ, क्योंकि इसके नीचे नहीं उतरेगा तो टैंक तो एक सेकंड के अंदर मेरे को मार देगा। तो इस टैंक को मेरे को पता है कैसे ठिकाने पर लगाना है, तो इसके मैं पीछे जाता हूँ अभी अभी, तो ये थोड़ा बहुत समय लगाएगा मेरे को मारने के लिए। तो इसको पीछे जाकर इसको उठा लेता हूँ, साले को उठा ही लेता हूँ। तो देख रहे हो ना आप रुपए हीनों ने इसको उठा लिया है, और अभी मैं इसको लेके जाना वालों कहीं पे, हाँ यहीं पे छोड़ देता हूँ, भगा देता हूँ साले को इस टैंक को, शायद ये फूट जाएगा या फिर यहाँ पे अटक जाएगा। ओ भाई साहब ये तो मर गया, टैंक में जो बैठा था वो भी मर गया और टैंक भी उड़ गया, और ये ऊपर मेरे ऊपर कौन आ गया यहाँ पर? यार ये फिर से आ गया मेरे को परेशान करने के लिए। तो मुकाबला बराबरी करने के लिए मैं भी बुला लिया हूँ एक और रोबोट को, हाँ बाइक वाले रोबोट को। तो अभी मुकाबला बराबरी का होगा ना भिड़ू? तो मुकाबला बराबरी का होगा, और यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों रोबोट एक साथ है, अब इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया यार, फिर से उठ के आ गया है। तो अभी मैं इसको ऐसे मारूंगा कि ये दोबारा उठ के नहीं आएगा, तो मेरे को भी निकालना पड़ेगी अपनी गन मशीन। हाँ गेमर अभी मेरे को गन मशीन निकाल लिया हूँ, और अभी ये तो गया काम से, तू तो गया बेटा, अभी बस तेरा काम होने वाला है, और ये हो गया इसका काम। तो अब देख रहे हो गेमर अभी ये दोनों के दोनों रोबोट एक साथ है, और इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ पे पुलिस वालों को देखो कितना भगा भगा के मार रहा है, और पुलिस वाले इसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये छोटा रोबोट तो है, लेकिन भाई साहब ये भी ताकतवर रोबोट है, आप देख रहे हो ना, इसने भी बहुत पुलिस वालों को मार दिया है। और यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर भी गया काम से, देखो हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया भाई साहब, तीन गोले लगे लेकिन उड़ गया ना। और यहाँ पे ये क्या यार, फिर से आ गया दिमाग खराब करने के लिए। अभी यार इसको मुकाबला बराबरी का हो गया है, लेकिन अभी मेरे को बुलाना पड़ेगा और भी खतरनाक रोबोट को, ताकि वो रोबोट इसको एक के अंदर ही मार दे। तो अभी यहाँ पे आ गया है टैंक वाला रोबोट, और इसके सामने ये बच्चा सा लग रहा है, आप देख रहे हो ना गेमर, इसके सामने ये बच्चा सा लग रहा है इन पुलिस वालों का रोबोट। तो अभी यार गेमर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस हेलीकॉप्टर को तो मैं मार देता हूँ, और मैं खुद भी मर जाता हूँ यार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।